हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। और आज मदर्स डे है, तो आज मदर्स डे सेलिब्रेट करना है। बच्चे एक्साइटेड है, मैं बोली चलो छोड़ो क्या है, तबीयत इतना सही नहीं है। बोले नहीं मम्मा आपको करना ही पड़ेगा हमारे लिए। फिर बेटी ये साड़ी निकाल कर लेकर आई और बोली मम्मा आप ये साड़ी पहनो, तो जबरदस्ती मुझे बोला गया मैं साड़ी पहन ली अपने बच्चों का मन रखने के लिए। तो आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिए, पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं अभी फिलहाल रेडी हो रही हूँ, साड़ी पहन के आ गई हूँ और बाल को कैसे रखूँ, बाल भी मेरे ना मुझे कट करने हैं बाल, तो आप लोग सजेशन देना मैं बाल कट करूँ या ना करूँ। जब भी मेरे बाल थोड़े से लंबे होते हैं ना मैं बाल काट लेती हूँ, क्योंकि ज्यादातर तो मैं ऐसे जूड़ा बनाकर ही रखती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कट कर लेती हूँ बालों को। और अभी मेडिसिन की वजह से बाल थोड़े फॉल हो रहे, झड़ रहे बाल मेरे, इसीलिए आप लोग बताना क्या करना है, फिर मैं करूँगी। फिलहाल अभी रेडी होती हूँ। सारा मेकअप कर लो, हल्का सा लाइट मेकअप ही कर रही हूँ, पर पता मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। मेकअप के साथ काजल ना हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है, और काजल मुझे लगाना बहुत पसंद है। तो मैं कुछ भी मेकअप करती हूँ तो मैं काजल ज़रूर लगाती हूँ। मुश्किल में होती हूँ अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी मेरी वो दुपट्टा भिगोती है, एक एक आंसू में दुआएं पिरोती है, कोई बताए क्या है अम्मी ऐसी होती है। एक तो लॉकडाउन है चल रहा है और घर पे कहीं जाना ना आना, घर में ही रहना, तो और दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो अचानक से ऐसे थोड़ा मूड फ्रेश सा हो जाता है। घर पे कुछ ऐसा लग रहा था कुछ ओकेजन है। बच्चे भी बहुत खुश हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए, वो भी नए कपड़े पहने, बोले ही मम्मा आप तैयार हो जाओ, हम भी तैयार होते हैं। और ये रेडी हूँ, और ये बड़ी बेटी मेरी केक बनाई थी, मेरी हेल्प ले लेकर उसने खुद ही सब कुछ किया, पास्ता बनाई, केक बनाई। तो ये स्मॉल सा सेलिब्रेशन था हमारा जो है घर में अवेलेबल, बस उससे ही हो गया और बहुत ही अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छा लगा। देखकर भी आप लोगों को लगेगा कि हाँ सब कुछ अच्छा था, बच्चे खुश हो गए और क्या, अब बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अम्मी के हाथों में जाने कैसी बरकत है, दाल खिचड़ी में भी दावतों की लज्जत है, चेहरे पे फिक्रों की लकीरें है देखो फिर भी, अम्मी मेरी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। तो ये हमारा सब कुछ शाम का हो गया, उसके बाद मैं आ गई रात के डिनर की तैयारी करने। तो डिनर में बना रही हूँ मैं सोयाबीन चिल्ली या सोया मंचूरियन, कुछ भी बोल लो। तो ये चंक्स है, सोया चंक्स को अच्छी तरह से पानी में से निचोड़ कर निकाल कर रख चुकी थी, और इसमें 3 चम्मच मैदा डाली। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं बहुत हेल्दी खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो मैदा, कॉर्नफ्लावर, अरारोट ये सब वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती ही नहीं हूँ, पर ये सोया चंक्स में ज़रूरी था, तो 3 चम्मच ही डाली हूँ बस उसको हल्का सा कवर करने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब ये मैं बहुत लाइट सा बना रही हूँ, हेल्दी सा बना रही हूँ, और घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं था, तो टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, चीनी, चिकन मसाला पाउडर जो आप लोगों ने देखा, और 3 सॉस तो थे ही, टमाटो, चिल्ली और सोया सॉस, तो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और उसके बाद इसको एक एक करके मैं इसमें तल कर निकालूंगी, एक साथ डालने से क्या होता है ना चिपक जाता है, तो
एक एक करके तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका था और ये ना हाई फ्लेम पे बनता है, मतलब हाई टू मीडियम, मीडियम टू हाई फ्लेम पे बनता है, वरना ज़्यादा लो करूँगी तो सारा तेल इसका ऑब्जर्व कर लेगा और हाई करूँगी तो फिर वो ज़्यादा क्रंची सा नहीं होगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा इसका ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं, टेस्ट तो बहुत अच्छा था। तलकर सबको निकाल चुकी हूँ और उसी तेल में फिर लहसुन डाली हूँ। सबसे पहले ना इसमें मैं लहसुन डाली, हरी मिर्ची डाली हूँ, लहसुन डाली हूँ, फिर प्याज डालकर थोड़ा सा भूनी हूँ। वो हल्का सा क्रंची सा ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको नहीं पकाते हैं। और उसके बाद इसमें एक टमाटर डाल दी हूँ, तो थोड़ा कलरफुल और अच्छे टेस्ट के लिए। तो विनेगर वगैरह मैं यूज़ नहीं की हूँ, इसके जगह प्याज में नींबू यूज़ की हूँ। तो ये एक चम्मच नींबू, एक चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक सब डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। मतलब बनाते तो सब है बहुत अच्छा, बहुत टाइट से इतना अच्छा, पर घर पे भी ये सिंपल तरीके से भी कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, फिर भी बहुत अच्छा बना। और रात के तो डिनर में सोया मंचूरियन और फुल्की रोटी के साथ हमारा अच्छा खासा अच्छा हो गया, अच्छा इन्जॉय किया हमने। तो बस चिकन मसाला कुछ रहे ना रहे, वो पाउच रहता है मेरे घर पे, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सबको फ्राई करने के बाद ये तीनों सॉस को एक एक चम्मच, सब बहुत ज़्यादा सॉस भी मैं नहीं डालती, उससे थोड़ा अलग टेस्ट आ जाता है। हाँ, टमाटो सॉस डालती हूँ, चिल्ली सॉस, सोया सॉस एक चम्मच डाली, सब डालकर मिक्स कर ली। और थोड़ा सा पानी भी डाली हूँ क्योंकि ये ऑब्जर्व कर लेगा, थोड़ा सा अपने अंदर सोख लेगा, सोया चंक्स है ना ये। तो मैं सबको डालकर 5 मिनट के लिए हल्का सा इसको चलाकर छोड़ दूंगी और ये रेडी, बहुत जल्दी बनने वाला। बस तलने में जो टाइम लगता है, तलने में भी बहुत कम टाइम लगता है, हाँ तैयारी में तो टाइम लग ही जाता है, कटिंग करो फिर इसको शोक करो कट करो, पर बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये रेडी है और हमने इंजॉय किया और आप भी इंजॉय किए हमारे साथ, मुझे पता है। तो कैसा लगा एक लाइक ज़रूर करना और सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों। और नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना।